सर यूट्यूब चैनल एन इन योर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 18 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुए एचएसएससी ग्रुप डी पेपर में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को हम थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे और ये प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, करनाल का युद्ध रिक्त स्थान के बीच लड़ा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। करनाल पर नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था। इसके बाद यह क्रमशः जींद के राजाओं, मराठों और लदवा के सिख राजा गुरुदत्त सिंह के अधिकार में रहा। 1805 में अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। राजा कर्ण के नाम पर शहर का नाम करनाल पड़ा। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर चंडीगढ़ से 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घरोंडा, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और तरावड़ी इसके मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जन्मभूमि भी करनाल है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करनाल से ही विधायक हैं। करनाल हरियाणा की लोकसभा सामान्य सीट है। NDRI केंद्रीय मृदा लवणता केंद्र भी करनाल में है। हरियाणा के 6 मंडलों में से करनाल एक नया मंडल है, जिसके अंतर्गत 3 जिले पानीपत, कैथल, करनाल आते हैं। 6 मार्च 2019 को देश के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के परिणाम जारी किए, उसमें भी करनाल देश के पहले 100 शहरों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा और हरियाणा में पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, देहाती मेला रिक्त स्थान में आयोजित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कैथल में। देहाती मेला हरियाणा के कैथल जिले में बाबा लदाना गांव में अक्टूबर माह में लगता है। कैथल से कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई हैं। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है। इस कारण से इस नगर का प्राचीन नाम कपिस्थल पड़ा, जो कालांतर में कैथल हो गया। इतिहास के अनुसार यह भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिस की पुत्री थी, के साम्राज्य का एक भाग था। 13 नवंबर 1240 को रजिया सुल्तान कैथल युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुई थी। कैथल में दिल्ली की विद्रोही सेनाओं ने उसे पकड़ लिया और एक भयंकर युद्ध में रजिया सुल्तान मारी गई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे मार डाला था। मृत्यु के बाद उन्हें यहीं दफन कर दिया गया था और आज भी उनकी कब्र यहाँ मौजूद है। कैथल हरियाणा के जो 6 मंडल हैं उनमें जो नया मंडल करनाल है उसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध रिक्त स्थान के दौरान लड़ा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। पानीपत की तीसरी और आखिरी लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। उसमें ना जाने कितने योद्धा मारे गए और कितने ही सैनिक शहीद हुए थे और कितने ही घरों के चिराग बुझ गए। और यह लड़ाई वर्तमान दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूरी पर लड़ी गई थी। इस युद्ध को 18वीं शताब्दी में मराठों और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की कड़ी का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा भारत के सैन्य इतिहास में भी इस युद्ध को एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरी महल रिक्त स्थान में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, हिसार में। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 ईस्वी में हरियाणा राज्य के हिसार में बनवाए गए फिरोज शाह महल का हिस्सा है और महल में एक मस्जिद है जिसका नाम लाट की मस्जिद है और यह लगभग 20 फुट ऊंची बलुआ पत्थरों से बनाई गई है। अगला प्रश्न है, HUHM का अर्थ है। ऑप्शन ए, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु रिक्त स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए, करोचोटी। चंडीगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर दूर पंचकुला जिले में स्थित मोरनी पहाड़ियां हरियाणा का एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है और ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र पर पुराने जमाने में किसी शासक की महारानी थी जिसका नाम मोरनी था
और उसके नाम पर इस पहाड़ी का नाम यह रखा गया है। मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम करो चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1514 मीटर है और यह हरियाणा की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और रिक्त स्थान के बीच लड़ा गया। ऑप्शन सी अकबर। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक प्रसिद्ध मैदान में अकबर और हेमचंद्र के मध्य युद्ध हुआ। हेमू के सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े और उनकी विजय होने वाली थी कि दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में लग गया और इस कारण वह बेहोश होकर हाथी के होंदे से गिर पड़ा और यह स्थिति हेमू के सैनिकों के लिए अविश्वास का कारण बन बैठी और उनमें अपने सम्राट को ना देख पाने की स्थिति में बगदड़ की स्थिति उमड़ पड़ी और अंततः हेमू अर्धमृत स्थिति में मुगल सेना द्वारा बंदी बना लिया गया, जहां अकबर के संरक्षण बैरम खां द्वारा उसका सिर काट दिया गया और यही युद्ध पानीपत के इतिहास में द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अंतर जातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है। ऑप्शन डी 1 लाख रुपये। हरियाणा सरकार ने मार्च 2016 में अंतर जातीय विवाह के लिए दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया था और हरियाणा के दलित लड़के अथवा लड़की को गैर दलित जाति में विवाह करने पर मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर जातीय विवाह शगुन योजना के तहत 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन सी फरीदाबाद। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है, जिसमें 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से और फरीदाबाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा भारत का 6ठा स्थान है हरियाणा का, जिसमें 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह रिक्त स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। ऑप्शन ए गुरुग्राम। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए 98 शहरों की एक सूची घोषित की। हरियाणा से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए करनाल और फरीदाबाद को चुना गया और कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जिलों में हुई स्मार्ट सिटी की दौड़ में करनाल और फरीदाबाद ही जीत पाए। गुरुग्राम इसमें पिछड़ गया था, लेकिन स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी होने के बाद वहां के भाजपा नेताओं पर दबाव बढ़ गया था और साइबर सिटी के पिछड़ने की बात किसी को पच नहीं रही थी। बहरहाल इसके बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दखल देना पड़ा। उन्होंने फिर गुरुग्राम का नाम केंद्र को भेजा और कहा कि हरियाणा सरकार खुद ही गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। हरियाणा सरकार ने कहा कि केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और तकनीकी सहायता के जरिए राज्य अपने खुद के संसाधनों से गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के मुताबिक एक स्मार्ट सिटी के विकास के लिए 5 साल के लिए हर साल 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा, इसलिए हम गुरुग्राम के लिए खुद से 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न है, थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान रिक्त स्थान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास नामक अनूठी परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अदायगी बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से सीधे उनके खातों में ही दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इस उद्देश्य से ही इस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है,
भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो रिक्त स्थान कहलाया। ऑप्शन सी पाशुपतास्त्र। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी के पास पाशुपतास्त्र नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है जिसमें उन्होंने पूर्व काल में सारे दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। उसके बाद अर्जुन ने ध्यान की अवस्था में अपने आप को कृष्ण का हाथ पकड़े देखा। कृष्ण के साथ वे उड़ने लगे और सफ़ेद बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ जटाधारी शंकर विराजमान थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, वीरवर तुम दोनों का स्वागत है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन ने शंकर जी से कहा कि भगवान मैं आपका दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, यहाँ से पास में ही एक दिव्य सरोवर है, मैंने वहाँ धनुष और बाण रख दिए हैं। दोनों उस सरोवर के पास पहुँचे, वहाँ जाकर देखा तो दो नाग थे। दोनों नाग धनुष और बाण में बदल गए। इसके बाद धनुष और बाण लेकर कृष्ण अर्जुन दोनों शंकर भगवान के पास आ गए और उन्हें अर्पण कर दिया। शंकर भगवान की माया से एक ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ जिसमें मंत्र जप के साथ धनुष चढ़ाया। वह मंत्र अर्जुन ने तुरंत याद कर लिया और शंकर जी ने प्रश्न होकर वह शस्त्र अर्जुन को दे दिया। यह सब अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था, लेकिन उन्हें वह पाशुपतास्त्र वास्तव में मिला था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, उक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भारतीय सदन के निचले सदन लोकसभा में दोनों पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, इसके सदस्यों में से सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। वैसे तो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और संविधान में मात्र यह अपेक्षित है कि वह सभा का सदस्य होना चाहिए, परंतु अध्यक्ष का पद ग्रहण धारण करने वाले व्यक्ति के लिए संविधान, देश के कानून, प्रक्रिया नियमों और संसद की परिपाटियों की समझ होना एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अगला प्रश्न है, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान रिक्त स्थान की ओर से लड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कौरव। गुरु द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा गृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। परशुराम के शिष्य बनकर गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र सशस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। यह महाभारत का वह महत्वपूर्ण पात्र बना जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानते थे, जिसके प्रयोग करने की विधि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखाई थी। कुरु प्रदेश में पांडु के पांचों पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम उल्लेखनीय है। उसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष रिक्त स्थान में बना। ऑप्शन बी 1966। गुड़गांव जिला वर्ष 1966 में बना। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, जींद, गुड़गांव। गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और गुरुग्राम के पूर्व में फरीदाबाद, पश्चिम में रेवाड़ी, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में राजस्थान का अलवर तथा उत्तर पश्चिम में झज्जर जिला है। हरियाणा सरकार ने 27 सितंबर 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। इस नए नामकरण के लिए हरियाणा सरकार ने महाभारत का संदर्भ दिया था। इलाके के लोग लंबे समय से गुड़गांव जिले का नाम बदलकर गुरुग्राम रखने की मांग कर रहे थे। ऐसी किंवदंती है कि गुड़गांव का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। हरियाणा भगवत गीता की ऐतिहासिक भूमि है और गुड़गांव शिक्षा का केंद्र रहा है। महान गुरु भगत एकलव्य का हरियाणा के गुड़गांव से गहरा संबंध है। गुरुग्राम हरियाणा के 6 मंडलों में से एक है। गुरुग्राम के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। गुरुग्राम हरियाणा राज्य की लोकसभा सीट है, सामान्य श्रेणी की।
गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियाँ रिक्त स्थान के जिले में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी सिरसा। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में है और इस भाग के में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के उत्तर पूर्वी भाग आते हैं। ऊंचाई के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, उच्च शिवालिक पहाड़ियाँ जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है और निम्न शिवालिक श्रेणियाँ जिनकी ऊंचाई 400 मीटर से 600 मीटर के बीच में है और इन शिवालिक श्रेणियों की रचना रेत, बजरी, चीका आदि से हुई है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी फरीदाबाद। फरीदाबाद औद्योगिक दृष्टि से हरियाणा राज्य का विकसित जिला है और यहाँ 200 से अधिक बड़े उद्योग तथा 10,000 से अधिक लघु इंजीनियरिंग औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। यहाँ के औद्योगिक उत्पादन में ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल, चीनी मिट्टी के बर्तन, टूल्स, जूते व चप्पल, गैस के चूल्हे तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रसिद्ध है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से फरीदाबाद सामान्य श्रेणी की एक लोकसभा सीट है और हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। फरीदाबाद हरियाणा के 6 मंडलों में से एक नया मंडल है जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूँह। रिक्त स्थान हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री धर्मवीर। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल का नाम धर्मवीर है जो 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। जो बी एन चक्रवर्ती हैं वो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल रहे। आर एस नरूला हरियाणा के तीसरे राज्यपाल थे और श्री जी डी तापसे हरियाणा के 7वें राज्यपाल थे। और हरियाणा के वर्तमान और 17वें राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है जबकि हरियाणा के 16वें राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी थे जो वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा की रिक्त स्थान सीमा पर बहती है। ऑप्शन ए पूर्वी सीमा। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है और यह उत्तराखंड राज्य के गंडवाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से 6,330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यमुना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा पलवल जिले के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार आदि जिलों के बड़े क्षेत्रों के लिए यह नदी सिंचाई का मुख्य साधन है तथा इन क्षेत्रों में सिंचाई पश्चिमी यमुना से निकाली गई नहरों द्वारा की जाती है। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है, अंबाला जिला सिंचाई हेतु रिक्त स्थान पर निर्भर है। ऑप्शन बी नहरों पर। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 वर्ष। रिक्त स्थान युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का इलाका भारत में आर्यों के प्रारंभिक दौर में बसने का क्षेत्र रहा है और यह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है और इसका वर्णन भगवत गीता के पहले श्लोक में मिलता है, इसलिए इसे क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। थानेसर नगर 606 से 647 तक अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन की राजधानी था जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 1011 ईस्वी में इसे महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल जिले से घिरा हुआ है। यह दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, द्रौपदी कूप, बिरला मंदिर, शेख चिल्ली का मकबरा, हर्ष का टीला, तिरुपति बालाजी मंदिर, सन्हित सरोवर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, देवी कूप, भद्रकाली मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर, कृष्ण संग्रहालय, पैनोरमा, गुरुद्वारा छठी पातशाही, हरियाणा धरोहर नामक प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कुरुक्षेत्र में ही हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसका नाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1956 में रखी थी।
हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कुरुक्षेत्र सामान्य श्रेणी की लोकसभा सीट है और कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मशरूम। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत रेवाड़ी, फरीदाबाद तथा कैथल को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 1570 लाख की लागत वाली दो परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। वो दो परियोजनाएं हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स जो घरोंडा करनाल में है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स जो मंजियाना सिरसा में है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 18 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुए ग्रुप डी के पेपर में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।